वहीं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पीर गौसपाक 11वीं वाला मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। इस मौके पर ऊना के डीसी संदीप कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, मंदिर कमेटी के सदस्य और पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि पीर गौसपाक मंदिर के जीर्णोद्धार पर सरकार 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है, जिसके तहत मंदिर के जीर्णोद्धार को खाका तैयार किया गया है। इसमें मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के साथ लंगर हॉल को आधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। वहीं मंदिर तक आने वाली रास्तों को भी दुरुस्त करके श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री ने विपक्ष की ओर कृषि कानून पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 74 साल में पहली बार कोई फैसला कृषकों के हक हित में किया गया है, लेकिन विपक्ष जमाखोरों और बिचौलियों के हितों की रक्षा के लिए किसानों के हितों का हनन करने पर उतारू है। आपको बता दें कि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस मंदिर का शिलान्यास किया, साथ ही कहा गया कि मंदिर तक आने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया जाएगा।